Look at this video. Can you imagine? She's 50. I mean, wow, this is called aging gracefully. Yes, और अगर आप भी अपने 50 में इस जैसा लगना चाहते हैं तो इन कुछ स्टेप को लाजमी फॉलो कीजिए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ईट हेल्दी. यू लुक वट यू ईट, सो ईट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स. प्रोसेस फूड से परहेज करिए. ब्राउन और वाइट शुगर दोनों आपकी बॉडी के लिए जहर हैं, सो उनको अवॉइड करिए. नंबर टू पे आती है एक्सरसाइज और योगा. सो वीक में 5 दिन मॉडरेट एक्सरसाइज विल कीप यू एवर यंग. नंबर थ्री आता है हमारा गोल ओरिएंटेड और बहुत ही सादा सा स्किन केयर जिसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकते हैं. मॉर्निंग रूटीन में स्टार्ट करिए क्लेंजिंग से. क्लेंजिंग के बाद आप इस्तेमाल कीजिए एंटीऑक्सीडेंट का कोई भी सीरम, विटामिन सी, विटामिन ई, फेरुलिक एसिड, followed by your sunblock. And let me remind you, sunblock is the biggest anti-aging hack till date. So 2 finger tinted sunblock 2 to 3 times in a day will keep the wrinkles away. नाइट रूटीन में डबल क्लेंजिंग इज अ गेम चेंजर. डबल क्लेंजिंग का क्या मतलब होता है कि अगर आपकी स्किन ड्राई या नॉर्मल है तो आप अपना मेकअप या इवन अगर आपने सिर्फ सनब्लॉक भी लगाया हुआ था तो उसको रिमूव करेंगे ऑयल क्लेंजिंग बाम से. और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इस्तेमाल करेंगे मिसलर वाटर टू रिमूव योर सनब्लॉक. आफ्टर दैट आप अपने नॉर्मल फेस वॉश से अपना फेस वॉश करेंगे. Try this. This double cleansing routine is a game changer, I'm telling you. After that, आप वीक में 3 रातें लगाएंगे अपना रेटिनॉल. और वीक में 3 दफा रेटिनॉल के बाद आप लगा सकते हैं अपना मॉइस्चराइजर. वीक में 2 रातें आप करेंगे अपनी स्किन को एक्सफोलिएट, क्योंकि एक्सफोलिएशन आपकी जितनी भी टॉप डेड डर्टी लेयर है स्किन की उसको रिमूव करती है. आपकी स्किन को एक स्मूथ लुक देती है, पोर्स का साइज छोटा करती है, आपके बाकी जितने भी स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अपना फंक्शन ज़्यादा बेटर करने में हेल्प देती है. एक्सफोलिएशन के लिए आप ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मंडालिक एसिड्स में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप. बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी है कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको एक्सफोलिएशन नहीं करनी चाहिए. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ड्राई स्किन वाले लोग लैक्टिक एसिड से और ग्लाइकोलिक एसिड से बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं. तो ये सिंपल सी स्किन केयर को कंसिस्टेंटली फॉलो करें. और नंबर 4, सबसे इम्पॉर्टेंट, अपना स्ट्रेस मैनेज करें. आपका स्ट्रेस आपको एक्नी ब्रेकआउट्स, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस दे सकता है जो कि डेफिनेटली आपकी स्किन पे फाइन लाइंस, रिंकल्स, पोर्स और बहुत सारे और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है. सो स्टे विद द पीपल जो आपको खुश रख सकें.